Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। This is the first day of the rest of your life. और ये आपके बचे हुए जीवन, शेष जीवन का पहला दिन है। So it is important for you to listen to what God is speaking. और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उन बातों को सुने कि क्या आज की सुबह परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। Today we are going to meditate on a subject which is found in 1 Samuel chapter 1. और आज की सुबह हम बात करेंगे एक विषय के ऊपर जो कि पहला सामुएल नबी की पुस्तक में उसके पहले अध्याय में पाया जाता है। Chapter 1 first Samuel records the story of Hannah. और पहला सामुएल नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से हन्ना या हन्ना की कहानी को लिखा गया है। And what is the name of her husband? और उसके पति का नाम क्या है? Hannah's husband's name और was Elkanah. और हन्ना के पति का नाम Elkanah था। And he had another wife. और उसके पास एक और पत्नी थी। Now Hannah was a sorrowful woman. और हन्ना एक दुख और शोकित महिला थी, क्योंकि उसकी जो दुख उस पर आन पड़े थे वो बड़े भयानक थे। Who was her adversary? और कौन वो दुख थे जो उस पर आ पड़े थे? The other wife of Elkanah. और वो Elkanah की दूसरी पत्नी। She was mocked at. और वो Elkanah की दूसरी पत्नी हन्ना का मजाक उड़ाती थी। But as we read on, we find that her story ends in triumph. लेकिन जैसे हम इस कहानी को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कैसे उसकी कहानी का अंत एक जयवंत जीत के साथ होता है। She was victorious. कि वो जयवंत या वो जीतती है। Now there are three steps towards her to her triumph. और उसके विजय को तीन ऐसे कदम हैं जिसके लिए वो आगे बढ़ती है। Consider these three. और आइए हम तीनों कदमों को या चरणों को देखें। Number one, पहला कदम and the most important, और सबसे महत्वपूर्ण, she prayed. उसने प्रार्थना करी। You know, when we are faced with such kind of a situation where we are mocked and we are looked up or down on upon, what are we to do in the first place? और हम भी जब अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों या ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, तब हम क्या करें? Verse 10 of 1 Samuel. पहला सैमुएल नबी की पुस्तक पहला अध्याय 10वें वचन में देखिए। She was deeply distressed and prayed to the Lord and wept. वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। She prayed with tears. और उसने आंसुओं के संग प्रार्थना किया। She did not retaliate to her enemy. उसने अपने शत्रु के प्रति बदला लेने की कोशिश नहीं करी। She did not return railing for railing. और उसने उस मजाक उड़ाने या ताड़ना देने को वापस ताड़ना देने में सही ना समझा। But her trials led her to her and brought her to her knees. लेकिन उसकी परीक्षाओं और इन परिस्थितियों ने उसे उसके घुटनों पर ले आया। It drove her to the presence of God. और इन बातों ने उसे परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मजबूर कर दिया। And the scourges of the enemy. और शत्रुओं के वो काटे और वो उसको बार बार ताड़ना देना। Only served to drive us to the place of blessing. वो हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाती है जहां पर हम परमेश्वर की आशीष को पाएं। We will respond to mocking and criticism and all kinds of adversities. The best thing is turn that situation to drive us to the right place, which is the presence of God. और हम भी अगर ऐसी परिस्थितियां जहां हमें नीचा दिखाया जाता है, हमारा तिरस्कार किया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, बदला ना लेने के बजाय, बदला लेने के बजाय हम खुद को अपने घुटनों की ओर मोड़ लें और प्रार्थनाओं में बैठ जाएं। And it is there we meet the presence of God. Which is the place of blessing. और ये वो स्थान होगा जहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति से मुलाकात करेंगे और वो स्थान आशीष का स्थान बन जाएगा। In 2 Kings chapter 18 and 19. और दूसरा राजा उसके 18वें और 19वें अध्याय में the King Hezekiah
the king of Judah won a great battle against an enemy, an army more numerous and powerful than his own. और दूसरा राजा 18वें और 19वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से हज़किया राजा, जो कि यहूदा राज्य पर राज्य करता था, एक बड़ी सेना पर उसने एक बहुत ही बड़ी और जयवंत विजय को पाया, जबकि उसकी शत्रु सेना कई ज्यादा गिनती में थी. And you will note, if you read these chapter, two chapters carefully, you will notice, without going into the battlefield. और जब आप इन दोनों अध्यायों को पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे कि बिना रणभूमि में गए वो ने उसने उस विजय को पाया. Without fighting the war. और इस बिना लड़े वो जीत गया. He won on the greatest victory. उसने सबसे महान लड़ाइयों को लड़ा और जीत गया. Not a single soldier of Israel was lost. और इज़राइल घराने का एक भी सैनिक का मृत्यु ना हुआ. And because no one has to go out to war. क्योंकि किसी को भी रणभूमि में लड़ने के लिए जाना ना पड़ा. The insult of the enemy. और उस शत्रु का मजाक उड़ाना. And the scourging words. Of the king of Assyria. और असीरिया का राजा के वो ठेस और दुख पहुंचाने वाले वो शब्द. Drove King Hezekiah to the place of victory. इन सारी बातों ने हज़किया राजा को उसकी विजय की ओर ले गई. He went to the temple of God. और वो परमेश्वर के मंदिर की ओर गया. And there he poured out his heart's burden. और वहां पर उसने अपने हृदय के बोझ को परमेश्वर के सामने रखा. And that's what Hannah did. और यही कार्य हन्ना ने भी किया. She was driven in her desperate condition to the very presence of God. कि अपनी कठिन परिस्थिति और क्षणों में वो परमेश्वर के निकट चली गई और परमेश्वर के सम्मुख बैठी. So the first thing she did was she prayed. और इसलिए पहली बात जो उसने करी वो ये थी कि प्रार्थना. And the second thing she did was. और जो दूसरी बात उसने करी. For you found in verse 11. और 11वें वचन में देखते हैं. She gave a vow. उसने एक मन्नत मानी. And it says here, and she vowed. A vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give it to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life. और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और मैं अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा. She purposed in her heart that she would consecrate God's gift to his service. और उसने इस बात की मन्नत मांगी कि हे परमेश्वर, जो तोहफा तू मुझे देगा वो मैं तुझे तेरे लिए अलग करके तुझे वापस सौंप दूंगी. And this is a mighty argument. With God. और ये परमेश्वर के संग एक सामर्थी तर्क वितर्क है. What will he withhold from those who do not seek great things for themselves? और वो उन लोगों से कैसी बातों को छिपाए रखेगा या ना देगा जो अपने लिए बड़ी बातों को चाहते हैं. You honor God with what He gives you. और आप परमेश्वर का आदर करें उन सारी बातों के द्वारा जो वो आपको देता है. And He will honor you lavishly. और उसके पश्चात अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपका आदर करेगा बड़े उच्च रीति से. My friends, never hesitate to surrender to God your own blessings so that God may be well pleased with you. और मेरे मित्रों, इसलिए अपनी आशीषों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करने में आप घबराए ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने वालों से बहुत प्रसन्न होता है. Why should we hold back anything from और क्यों हम परमेश्वर से किसी बातों को छिपाएं या परमेश्वर को ना दें? Honor God. परमेश्वर का आदर करें. He will honor you. और वो आपका आदर करेगा. And when he honors such people lavishly. और जब वो आपका आदर करेगा तो ऐसे लोगों का आदर बड़ बहुतायत से करता है. And the third thing we notice about और जो तीसरी बात हम हन्ना के विषय में देखते हैं. She believed. उसने विश्वास किया. Verse 8. आठवें वचन में. आज क्षमा करिए, 18वें वचन में. And she said, "Let your servant find favor in your eyes." Then the woman went her way.
and ate. उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए. तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर से उदास ना रहा. She took the priest's word as God's promise. और उसने उस याजक के शब्दों को परमेश्वर के वादे के रूप में ले लिया. And that is faith. और वही विश्वास है. Taking God's word by faith. कि परमेश्वर के वचन को हम विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लें. She brought her burden to the Lord. और वो अपने बोझ को परमेश्वर के लिए लेकर के आई. And she went away without that burden. और वो चली गई उस बोझ को खाली कर कर एक हल्की होकर. Hallelujah. Hallelujah. And my friends, you are facing a new year. और मेरे मित्रों आप एक नए साल का सामना कर रहे हैं. What are you looking forward to? आप किन बातों की ओर आगे देखते हैं? You do not know. आपको नहीं पता. I do not know. मुझे भी नहीं पता. Neither can I promise you that wonderful good days are coming. और मैं भी आपको ये वादा नहीं कर सकता कि आगने वाले दिन बड़े अच्छे और अद्भुत होंगे. The times ahead of us can be more dangerous and more troublesome than we have had in the past. हो सकता है आने वाले समय और महीने हमारे लिए और खतरनाक और भयानक हो इससे ज्यादा जो हमने अभी पिछले वर्ष में सामना किया. You may be frightened from the beginning. और हो सकता है आप शुरुआत से ही डरे हुए हैं. But let me tell you. लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ. God has blessed you so many ways. कि परमेश्वर ने आपको कई रीति से आशीषित कर रखा है. While hundreds and millions of people all over the world died because of this coronavirus. जबकि हजारों लाखों और करोड़ों की संख्या में कोरोना महामारी से लोगों की मृत्यु हो गई. You are still alive. आप अभी भी जीवित हैं. Why? क्यों? That is the greatest blessing. और ये सबसे महान आशीष है. Will you honor God with your life? क्या आप परमेश्वर का आदर अपने जीवन के द्वारा करेंगे? And then look at yourself. और अपने आप अपनी ओर आप देखिए. Your mind is working. आपका दिमाग कार्य कर रहा है. And your limbs are working. Your hands and feet, they are all working. और आपके हाथ और पैर भी कार्य कर रहे हैं. You can hear, you can listen, you can speak. आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं. You think the money can buy all these things? क्या आपको लगता है इन सारी बातों को पैसा खरीद सकता है? Praise God for what gifts you have. और धन्य हो परमेश्वर का नाम जिन तोहफों को जिन वरदानों को उसने आपको दिया है. You are strong. आप शक्तिशाली हैं. You can walk. और आप चल सकते हैं. You can do so many things. आप कई सारी बातों को. Will you honor God? क्या आप परमेश्वर का आदर करेंगे? With your health. अपने इस स्वास्थ्य के द्वारा. With your abilities. अपनी योग्यताओं के द्वारा. With your talents. अपने तोड़ों के द्वारा. And with your time. और अपने समय के द्वारा. Honor God. परमेश्वर का आदर करें. And God will honor you. और परमेश्वर आपका आदर करेगा. He is never a debtor to anyone. और वो किसी का कर्जदार नहीं. And remember. और हमेशा याद रखें. She brought her burden to the Lord, and she left the temple without that burden. और याद रखिए वो अपने बोझ को परमेश्वर के समक्ष उस मंदिर में ले आई और उस मंदिर को बोझ रहित या उस बोझ से खाली होकर के. It is one thing to tell the Lord about our burden. और ये तो एक बात है कि हम परमेश्वर को अपने बोझों के विषय में बताएं. It is quite another thing to cast them on the Lord. लेकिन ये तो दूसरी ही बात है जब हम उन बोझों को परमेश्वर को दे देते हैं. Remember that. हमेशा इस बात को याद रखिए. We it is easy to tell the Lord in prayer, Lord, I cast my burden on you. But very often what happens is when we finish the service, we carry the burden on our head. और कई बार ये आसान होता है कहना कि परमेश्वर मैं अपने बोझों को आपको सौंपता या सौंपती हूँ, लेकिन सभा समाप्त होने के बाद उन बोझों को हम लेकर वापस अपने संग चल देते हैं. I don't know why people of God cannot remember what God's promise says. और मुझे ये नहीं पता. मुझे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर के लोग उसके वादे को नहीं याद करते जो उसने पहले पत्रस की पत्री में दिया है. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1. पहला पत्रस चौथा अध्याय सातवां वचन. What does it say? और वहां पर क्या लिखा है? The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. That is the word of the Lord. और ये परमेश्वर का वचन है.
What are we to do? हमें क्या करना है? With all the adversities, उन सारी मुश्किलों और परेशानियों, and problems we face, और जितनी समस्याओं का सामना हम करते हैं, we need to develop that self-control. हमें वो संयम अपने अंदर लाना and है. Sober-minded. और सचेत बने रहना है. For the sake of your prayers. हमारी प्रार्थनाओं के खातर. And as we seek the Lord, और जैसे हम परमेश्वर को निहारते हैं, it says, casting all your anxieties, कि अपनी सारे बोझों और भयों को, that is in chapter 5, verse 7, और पांचवा अध्याय पहला पत्रस का सातवें वचन में, casting all your anxieties on him, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, because he cares for you, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, ध्यान रखता है. Be sober-minded, और इसलिए आप सचेत बने रहें, for the sake of your prayers, अपनी प्रार्थनाओं के खातिर. And when that self-controlled, sober-mindedness, you come to God with your burden, और इसलिए जब आप सचेत होकर संयम के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं, you can confidently cast your burdens on the Lord. तब आप ही वो भरोसे के साथ अपने बोझों को परमेश्वर पर डाल सकते हैं. Because he cares for you. क्योंकि वो आपकी चिंता करता है. And we as believers, followers of Christ, must honor our God by believing what he has promised. और हम क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी और अनुयायी हैं, हमें ये विश्वास रखना है, करना है जो उसने हमसे कहा है. And then do that. और उस बात को करें. And you will see the glory of God. और आप परमेश्वर की महिमा को देखें. And our God is honored. और हमारे परमेश्वर का आदर होता है. Yes, these Christians, God is truly a prayer-hearing God and burden-bearing God. कि हाँ, इन मसीहों का परमेश्वर सच में प्रार्थनाओं को सुनने वाला और बोझों को उठाने वाला परमेश्वर. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This meditation may help you as to what to do with your burdens. और होने दे ये मनन आपकी सहायता करे कि आपको अपने बोझों के संग क्या करना है. Lord, we thank you. हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. For the blessed Holy Spirit. तेरे धन्य पवित्र आत्मा के लिए. Who comes to our aid when we do not know how to pray or what to pray. जो हमारी सहायता के लिए आता है जब हमें ये नहीं पता कि हम क्या प्रार्थना करें और कैसे करें. And so Holy Spirit, we stand in need of you. और इसलिए हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आवश्यकता में खुद को खड़े करते हैं. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद पिता. इन जीसस नेम, यीशु के नाम में. आमेन. आमेन.